दिव्य परमात्मा ने यह संदेश आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार करें। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं, आप अपने वर्तमान और अतीत को पहचानने में कहीं भूल कर रहे हैं। आप अपने बीते हुए अतीत को अपना वर्तमान समझ रहे हैं, लेकिन जो समय बीत चुका है उस समय को साथ में रखने का क्या फायदा? शायद यह आपकी मानसिकता पर बुरा असर डाल सकता है। आपको अपने अतीत और वर्तमान को समझकर संतुलन बनाना होगा। जो बीत गया उसे अतीत की तरह ही याद करो। यदि आप उसे अपना जख्म बना लेंगे तो वह हमेशा दर्द देता रहेगा। आपको कुछ नई चीजों को सीखने की आवश्यकता है जो आपको वर्तमान स्थिति में खुश रख सके। जिन लोगों की वजह से आप अपना अतीत भुला नहीं पाते, उनका प्रतिफल उनको निश्चित ही मिलेगा। आप इस विषय को लेकर निश्चिंत रहें। ईश्वर चाहते हैं आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। आप तो वो लोग हैं जो सब कुछ खत्म हो जाने पर वापस अपनी सत्ता बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, तो फिर डर किस बात का है? कुछ लोगों के लिए ईश्वर बोल रहे हैं, धन आने के नए अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं। आप धन के मामले में जिन भी लोगों से मिलेंगे वहां से अच्छी खबर ही लेकर आएंगे। ईश्वर की पवित्र रोशनी आपको अपनी नई मंजिल दिखाने में मदद कर रही है। समय आपके अनुसार है, इसका लाभ उठाएं। ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रही है।